कहते हैं दुनिया उगते सूरज को हमेशा पहले सलाम करती है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। बिहार के लोक आस्था से जुड़े पर्व छठ का पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। यह न केवल बिहारियों की खासियत है, बल्कि इस पर्व की परंपरा भी कि लोग झुके हुए को पहले सलाम करते हैं और उठे हुए को बाद में। लोक आस्था का कुछ ऐसा ही महापर्व है छठ। सामूहिकता के मामले में बिहारियों का यह पर्व पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसी मिसाल जो न केवल आस्था से भरा है, बल्कि भेदभाव मिटाकर एक होने का संदेश भी दे रहा है। एक साथ समूह में नंगे बदन जल में खड़े हो भगवान भास्कर की अर्चना सभी भेदभाव को मिटा देती है। भगवान आदित्य भी हर सुबह यही संदेश लेकर आते हैं कि किसी से भेदभाव न करो। इनकी किरणें महलों पर उतनी ही पड़ती है जितनी की झोपड़ी पर। इनके लिए न ही कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा, सब एक समान है। भगवान सूर्य सुख और दुख में एक समान रहने का संदेश भी देता है। इन्हीं भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए हम छठ पूजा मनाते हैं। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद षष्ठी तिथि होने के कारण इसे छठ पर्व कहते हैं। व्याकरण के अनुसार छठ शब्द स्त्रीलिंग है, इस वजह से इसे हम छठी मैया कहते हैं। वैसे किंवदंति अनेक हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान सूर्य की बहन मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें भगवान सूर्य की माँ। खैर जो भी हो, आस्था का यह पर्व हमारे रोम रोम में बसा होता है। छठ का नाम सुनते ही हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है और हम गांव की याद में डूब जाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत दुनिया का सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। पवित्रता की इतनी मिसाल कि व्रती अपने हाथ से ही सारा काम करती है। नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्ध तक व्रती पूरे निष्ठा का पालन करती है। भगवान भास्कर को 36 घंटे का निर्जल व्रत स्त्रियों के लिए जहां उनके सुहाग और बेटे की रक्षा करता है, वहीं भगवान सूर्य धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान करता है। इस महापर्व की शुरुआत कल यानी 8 नवंबर को नहाए खाए से शुरू हो जाएगी। इस दिन व्रती कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात खाती है। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को दिन भर उपवास रखकर व्रती खीर रोटी खाएगी। इसके बाद 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर की शाम जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 11 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में अपना राज्य गंवा चुके पांडवों की दुर्दशा देखकर दुखी द्रौपदी को रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान कृष्ण की सलाह पर सूर्यदेव की पूजा की थी। इसके बाद ही पांडवों को अपना राज्य वापस मिला था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम के लंका विजय से लौटने के बाद मां सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना की थी, जिससे उन्हें सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। छठ पर्व का त्यौहार अंग देश से शुरू हुआ था, इस वजह से इस पूजा में वहां होने वाले फलों और सामग्रियों की विशिष्टता रहती थी। जैसे उत्तर पूर्व भारत में गन्ना, नींबू, सिंघाड़े आदि प्रचुर मात्रा में मिलता था, जिससे लोग प्रसन्न होकर सूर्य की सेवा में अर्पित करते थे। लेकिन बाजारवाद के साथ त्यौहार भी बदलने लगा है। देसी खुशबू से दूर होता यह त्यौहार ग्लोबलाइजेशन की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब लोग बांस की सूप की जगह पीतल, तांबा, सोने और चांदी की सूप का प्रयोग करने लगे। बावजूद इसके छठ की पूजा देश ही नहीं विश्व में एक मिसाल है। पटना से लाइव इंडिया के लिए अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।